हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। और हम इस वीडियो के माध्यम से ये फुल एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे कि कैसे आने वाले 10 से 12 साल बाद भारत की राजनीति में केवल आम आदमी पार्टी और बीजेपी का ही वर्चस्व रह जाएगा, और जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जैसे कि सपा हो गई, बसपा हो गई, आरजेडी हो गई, आरएलडी हो गई, जेडीयू हो गई, इनका भविष्य कैसे खतरे में नजर आता है और कैसे मुझे लगता है कि ये समाप्त ना हो जाए, इसका भी डर है। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जो पहला फैक्टर है वो काम करता है लोकप्रिय चेहरे का, और आप लोगों ने हाल ही में देखा भी होगा कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ है जिसके रिजल्ट आज ही आए हैं, जिनमें से यूपी में और उत्तराखंड में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, बाकी गोवा और मणिपुर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन करके आई है। और आज से 10 साल पहले केवल गठित हुई आम आदमी पार्टी आज 136 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी एकदम बराबरी में आकर खड़ी है। कांग्रेस के भी आज 2 ही राज्यों में सरकारें हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के भी आज 2 राज्यों में सरकारें हैं। तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे भारत की राजनीति जो है वो बदल रही है वर्तमान समय में, और आने वाले समय में बीजेपी और आम आदमी पार्टी टक्कर की पार्टियां होंगी और इनका भविष्य जो है वर्चस्व पे होगा, शिखर पे होगा भारत की राजनीति में। तो जो पहला फैक्टर है उस पर हम लोग बात करें तो वो है लोकप्रिय नेतृत्व की। यदि आम आदमी पार्टी में हम नेतृत्व की बात करें तो इनके पास चेहरे हैं जैसे कि अरविंद केजरीवाल हो गए और मनीष सिसोदिया हो गए। आम आदमी पार्टी ने इन 2 चेहरों को लोकप्रिय बनाने में मतलब पूरी ताकत झोंक दी है, जैसे कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जो हमारे वर्तमान गृहमंत्री हैं, इनको लोकप्रिय बनाने में पूरी ताकत बीजेपी ने भी झोंक दी। क्योंकि चेहरा होता है तो ही जो जनता होती है वो जुड़ाव महसूस कर पाती है, जिसकी वजह से पार्टियां उठ पाती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि 2014 का लोकसभा चुनाव केवल नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया था, और जो बीजेपी है उसने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। 2017 का यूपी का चुनाव की बात करें तो उसमें भी नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्हीं का चेहरा रखा गया और फिर से सरकार बनाई थी बीजेपी ने यूपी में। और 2022 का चुनाव हाल ही में हुआ है, इसमें योगी आदित्यनाथ का चेहरा जो है वो आगे रखा गया, और आदित्यनाथ के चेहरे पे उनके लोकप्रियता की वजह से पुनः जो है यूपी में सरकार बीजेपी की बन पाई है। और वहीं यदि हम बात करें पंजाब में और दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे जो है वो सरकार बन पाई है। वहीं बात करें यदि हम कांग्रेस की, सपा की, बसपा की, आरएलडी की, जेडीयू की, सुभाषपा की, आरजेडी की, तो इन सबके पास चेहरे तो हैं अपने, पर वो लोकप्रिय नहीं है, साफ और स्वच्छ छवि के चेहरे नहीं है जिनसे जनता जुड़ाव महसूस कर सके, उनसे कोई उम्मीद कर सके, या फिर उन पार्टियों ने उन चेहरों की लोकप्रियता बढ़ाने में वो ज्यादा वर्क नहीं किया है। ये पहला फैक्टर हुआ, चेहरा तो इन सभी के पास नहीं है जिसकी वजह से इनका भविष्य जो है खतरे में नजर आ रहा है, और बीजेपी आम आदमी पार्टी के पास है जिसकी वजह से इनका भविष्य जो है वो उत्कर्ष पे नजर आ रहा है। अब सेकेंड फैक्टर की बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग इन्होंने कैसे किया, इंटरनेट क्रांति का प्रयोग इन्होंने कैसे किया है, इस पे भी डिपेंड करता है। यदि आम आदमी पार्टी को देखें तो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए इन्होंने अपने चुनाव प्रचार को या फिर अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने में, उनसे जुड़ने में इन्होंने काफ़ी हद तक कामयाबी जो है वो हासिल की है। सेम बीजेपी का भी वही हाल है, बीजेपी ने भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके जनता से जुड़ने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे वर्क किए हैं और जुड़े हैं। लेकिन अन्य सभी पार्टियों को देखें तो इन्होंने सोशल मीडिया का प्रयोग उतना अच्छे से नहीं कर पाए हैं जनता से जुड़ने में, ये सेकेंड फैक्टर हुआ। थर्ड फैक्टर की बात करें तो मुद्दे, जैसे कि विपक्ष के पास इस समय बहुत सारे मुद्दे थे, महंगाई हो गया, रोजगार के मुद्दे हो गए, ये कोरोना काल में जो डिसमैनेजमेंट हुआ उसका मुद्दा हो गया, लेकिन विपक्ष जो है वो उन मुद्दों को उठा करके सरकार को बैकफुट लाने का प्रयास ही नहीं कर पाया, और वो सही से कर ही नहीं पाया, विपक्ष अपना रोल ही नहीं निभा पाया। तो हम मानते हैं कि जो विपक्ष का रोल अच्छे से नहीं अदा कर सकते उन्हें सरकार बनाने का या फिर सरकार चलाने का कोई हक नहीं होना चाहिए, और शायद जनता ने भी इस चीज को समझा है। थर्ड चीज की यदि बात करें तो वो है जातिगत आधारित राजनीति और वोट बैंक का विस्तृत होना। यदि सपा की बात करें, बसपा की बात करें, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आरजेडी की बात करें, सुभाषपा की बात करें, आरएलडी की बात करें, तो ये जो पार्टियां हैं ये जाति विशेष की राजनीति करती हैं, अपने आप को बताती हैं कि हम भैया इस जाति के हैं या फिर इस जाति की पार्टी हैं। तो अन्य जो जातियां हैं या फिर जो अन्य वर्ग है वो इनसे जुड़ नहीं पाता है, वो सोचता है भाई कि जब तुम खुद कह रहे हो हम इस जाति की पार्टी हैं तो हम तुमको वोट क्यों दें। वहीं यदि आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो इन्होंने इन लोगों का कोई एक सीमित वोट बैंक नहीं है या फिर कोई सीमित जाति तक ये डिपेंड नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष को, यानी कि ये हर जाति हर वर्ग में इनका जो है अपना वोट बैंक आधार है। तो इसकी वजह से जो इनका भविष्य है वो उत्कर्ष पे नजर आ रहा है, और सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट क्रांति की वजह से जो जनता है वो अब जागरूक होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो जातिगत राजनीति करते थे इनका पत्ता साफ हो चुका है और जो बचा खुचा है वो होने वाला है, तो जातिगत राजनीति तो अब नहीं चलने वाली। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनको मैंने बताया है, जैसे कि जाति आधारित राजनीति जो वोट बैंक को सीमित कर देती है, ये इन दोनों बीजेपी और आम आदमी के पार्टी
ये राजनीति ये दोनों पार्टियां नहीं करती हैं, जिसकी वजह से इनका वोट बैंक जो है वो विस्तृत होने का अनुमान है और वो हमेशा विस्तृत होता रहेगा। वहीं यदि नेतृत्व की बात करें तो इन दोनों पार्टियों के पास अच्छे नेतृत्व भी हैं, जिनकी वजह से इनका और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी प्रयोग जनता से जुड़ने में बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका भविष्य जो है आने वाले समय में उत्कर्ष भी होगा और ये दोनों टक्कर की पार्टियां होंगी। और यहीं इन क्षेत्रीय दलों की बात करें तो भैया जातिगत राजनीति करोगे, सोशल मीडिया को अवसर समझ के यदि प्रयोग नहीं कर पाओगे, जनता से जुड़ नहीं पाओगे, तो जो हाल हुआ है वही होता रहेगा। और कांग्रेस, कांग्रेस को तो अपना नेतृत्व ही चेंज करना चाहिए, नेतृत्व में ही सुधार करना चाहिए, जिसकी वजह से कांग्रेस बची खुची रह सकती है, वरना 10 साल में यदि आम आदमी पार्टी इनकी बराबरी कर सकती है तो 10 साल में इनका सुपड़ा भी साफ हो सकता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाले हमारे वीडियो हैं वो आप तक पहुँचें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।